हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी अच्छे हो गए हेल्दी हो गए आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से चल रही होगी गाइस इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी अच्छे सेशन मिल जाएंगे गाइस काफी फ्रूटफुल सेशन मिल जाएंगे यहाँ पे हमने सिलोगिज्म एकदम डिटेल वे में डिस्कस किया है यहाँ पे वन थाउजेंड पजल सीरीज में हमने यहाँ पे सभी प्रीलिम्स के पजल कवर कर लिए गाइस एंड मैं चैलेंज देता हूँ गाइस कि जिसने भी वन थाउजेंड पजल सीरीज यहाँ पे कंप्लीट देख ली तो वो एक मिनट में यहाँ पे प्रीलिम्स के पजल उड़ा देगा

तो गाइज अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं हूं भरत एंड मैं आपको यहाँ पे क्वानिटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ आपके बैंकिंग एग्जाम्स के रिलेटेड ठीक है एंड प्लीज गाइज आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके हमारे इनिशिएटिव के साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं यहाँ पे फ्री एजुकेशन फॉर ऑल तो गाइज यहाँ पे सेट नंबर वन है तो ये सेट सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे टू मिनट का समय दिया जाता है ठीक है टू मिनट बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा एंड वो भी एकदम डिटेल वे में तो प्लीज गाइज यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए तो आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गैस तो यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पे टेन पीपल है, सिटिंग इन टू पैर रोज कंटेनिंग कैसे हो गए ऐसे आमने सामने हो इन सभी बंदों के बीच में यहाँ पे है? अब आगे क्या बोला गया इन रोवन सी ए जी एंड डी आर सीड ऑल ऑफ आर फेसिंग टूअर्सउट डायरेक्शन रो वन में कौन कौन बैठ गए यहाँ पे C A यहाँ पे E यहाँ पे उसके बाद क्या आता है G आता है एंड उसके बाद क्या यहाँ पे D है तो यहाँ पे D आता है एंड सभी के सभी बंदे पे साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है अब आगे क्या बोला है? इन रो टू। अब यहां रो टू में आई जे एच एफ बी। तो यहां पे क्या है आई जे एच

एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे थ्री एंड यहाँ पे फोर आ जाएगा एंड यहाँ पे फिफ्थ बंदा क्या आ जाएगा यहाँ पे मिडल पे आ जाएगा इसका मतलब यहाँ पे यच का दिख रहा है रो टू में दिख रहा है तो पे पे मिड बैठ के इसका मतलब पे रो में बैठ के होगा अब आगे 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 क्या बोला बोला है है पे ई सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी अब यहाँ पे डी के फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन बैठ के यहाँ पे ई बैठ के अब आगे बोला है थ्री पर्सन सीट बिटवीन जी एंड सी तो यहाँ पे जी एंड यहाँ पे सी के बीच में कितने बंदे यहाँ पे तीन लोग हैं अब आगे क्या बोला है यहाँ पे डी सीट

सेट अपोजिट टू जे अब यहाँ पे स्टार सेट अपोजिट टू यहाँ पे जे ठीक है इतना सभी को समझ में आ रहा है अब आगे क्या बोला है गाइज एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ

अब गाइज यहाँ पे जो बी होगा वो यहाँ पे सी के अपोजिट में नहीं बैठता तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं अब आगे क्या बोला यहाँ पे यहाँ पे जे एंड बी आर सिटिंग एडजेसेंट टू इच अदर अब यहाँ पे जे जो होगा एंड यहाँ पे बी जो होगा वो एडजेसेंट में होते हैं इसका है मतलब यहाँ पे आसपास हो गए अब आगे क्या बोला यहाँ पे आई सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो अब आई आय पे दिख रहा है आई आपको यहाँ पे रो टू में दिख रहा है तो यहाँ पे आई तो पे आ सकता है या फिर आई एक तो यहाँ पे आ सकता है अगर आई यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आई नहीं आएगा यहाँ पे बी आ जाएगा अगर यहाँ पे आई आता है ठीक है अगर यहाँ पे आई आता है तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता तो बी यहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब यहाँ पे आई एंड यहाँ पे बी क्या आ जाएगा यहाँ पे आय दर और में आ जाएगा

तो बहुत जगह है क्योंकि साउंड डायरेक्शन का लेफ्ट आता है इस डायरेक्शन में एंड साउंड डायरेक्शन का राइट आता है इस डायरेक्शन में यहाँ पे स्टार के लेफ्ट में तो बहुत जगह है बट तो यहाँ पे स्टार के राइट right में एक ही पर्सन आ सकता है इसका मतलब हंड्रेड एंड वन परसेंट यहाँ पेगा जे जे के अपोजिट में यहाँ राइट right में एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे पे डी ठीक है तो कौन से कौन से से कंडीशन हो गए अपने एच एंड बी वाली कंडीशन हो गई बी के अपोजिट में सी नहीं है ये कंडीशन हो गई जे के अपोजिट में स्टार स्टार के सेकंड टू द राइट में डी ये वाली कंडीशन हो गई अब यहाँ पे डी के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ के ई तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के कौन आ जाएगा यहाँ पे ई

यहाँ पे सी हो गया यहाँ पे ए बाकी है गए तो हंड्रेड एंड वन परसेंट यहाँ पे आ जाएगा ए तो हमारे सभी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गए नीचे कौन सा पर्सन का नाम रखना बाकी है यहाँ पे यब बाकी है तो यहाँ पे आ जाएगा यब तो ये पजल आपकी हंड्रेड एंड वन परसेंट यहाँ पे करेक्ट है तो ऐसे पजल को कैसे टैकल करना है आपको समझ में आ गया यहाँ पे यच सेट हो रहा था यहाँ पे यच मिडल रो में था एंड यहाँ पे यच यहाँ पे सेकेंड रो में था ठीक है सेकेंड रो में था एंड मिड में था इसलिए यहाँ पे मैंने यच को सेट कर दिया यस से यहाँ पे बी सेट हो रहा था तो यहाँ पे बी नहीं सेट हो रहा था तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी इलिमिनेट कर दी मैंने तो पज़ल आपकी हंड्रेड एंड वन परसेंट यहाँ पे करेक्ट आ चुके है, है? आगे पजल करते हैं ठीक है यहाँ पे टू मिनट बाद मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा एंड ये सेट नंबर हमारा वन फोर्टी फोर है ठीक है वन थाउजेंड पजल सीरीज का सेट नंबर वन फोर्टी फोर है तो प्लीज गाइज आप यहाँ पे सोल्व कर लीजिए कंडीशन तो भी नोट डाउन कर लीजिए स्टार्टिंग से एंड तक तो चले गए पे इसका सोल्यूशन देखते हैं आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा एक सेकंड तो पे क्या बोला गया सेट नंबर वन फोर्टी फोर है यहाँ पे एट पर्सनस है एट पर्सन के नाम दिए आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठ के होंगे सम ऑफ फेसिंग टूवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर अब यहाँ पे कुछ बंदे इन साइड देख रहे हो गए एंड कुछ बंदे यहाँ पे आउटसाइड देख रहे हो अब आगे क्या बोला यहाँ पे नॉट मोर देन टू पर्सन आर आर सिटिंग द सेम डायरेक्शन इसका मतलब सेम डायरेक्शन देखने वाले बंदे यहाँ पे दो ही हो गए अगर ये लाइन होगी अगर यहाँ पे ए एंड बी सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है एंड यहाँ पे अगर सी होगा तो सी का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सी भी अगर ऊपर देखेगा तो यहाँ पे ए बी एंड सी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे साथ साथ बैठने वाले तीन लोगों का डायरेक्शन सेम हो गया बट यहाँ पे क्या बोला है कि नॉट

थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स तो यहाँ पे एक्स के फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड पे थर्ड टू द राइट में कौन बैठ गए यहाँ पे वी बैठ गए अब आगे क्या बोलाए गए यहाँ पे वी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स एंड क्या बोला है अब एंड के बाद की information यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उनके लिए होती है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे वी बी तो यहाँ पे बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ गया यहाँ पे वी बैठ के यहाँ पे कंडीशन का काफी इंटर लिंकेज है क्योंकि यहाँ पे क्या यहाँ, यान यान से ये वाली है। फिर यहाँ पे से आपको ये वाली कंडीशन है तो यहाँ पे कंडीशन का का काफी अच्छा लिंकेज है तो ये पजल सॉल्व करने में काफी मजा आ जाएगा अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे एक डज नॉट फेसेस इन द सेंटर इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स से यहाँ पे आउटसाइड हो जाएगा अब आगे क्या बोला है सेम डायरेक्शन टू क्या यहाँ पे

तो यहाँ पे 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 क्या 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 है? यहाँ पे लेग, सेकंड लेग, यहाँ पे में क्या है? वाई है, ठीक है? में में ठीक ये ये हो जाएगा? जाएगा? जाएगा। कौन आ जाएगा? यहाँ पे वाई आ जाएगा? इतना सभी को समझ में आ रहा है अब आगे क्या बोला इसका मतलब यहाँ पे वाई जो होगा एंड यहाँ पे जो होगा ये यहाँ पे सेम डायरेक्शन फेस करते हैं अब आगे क्या राइट ऑफ वी इसका मतलब यहाँ पे वी के सेकंड टू द राइट में ठीक है यहाँ पे जे क्या होगा यहाँ पे वी के एक सेकंड यहाँ पे क्या आ जाएगा वी इस डायरेक्शन में आ जाएगा VK, यहाँ पे सेकेंड टू द राइट में कौन आ जाएगा यहाँ पे जे आ जाएगा इतना सभी को समझ में आ रहा है एंड बोथ ऑफ अपोजिट डायरेक्शन इसका मतलब यहाँ पे जो वी होगा एंड यहाँ पे जो जे होगा ये अपोजिट डायरेक्शन फेस करते है तो डायरेक्शन वाले सभी कंडीशन मैंने यहाँ पे पास पास लिख दिए ठीक है ताकि मुझे यहाँ पे डायरेक्शन सेट करते समय इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े अब यहाँ पे लाइन मेथड से सोल्व क्योंकि सर्कल को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे मुझे एक लाइन मिल जाएगी सॉरी यहाँ पे क्या यहाँ पे सर्कल है सर्कल को अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बना देते यहाँ पे सर्कल से ब्रेक कर दिया इस यहाँ पे स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में स्ट्रेच किया एंड इस लाइन को इस डायरेक्शन में स्ट्रेच किया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो यहाँ पे एट पीपल निकाल लेते हैं सबसे पहले तो तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे ऐसे एट पीपल होते हैं तो यहाँ पे एट पीपल भी ऐसे आ जाएगी वन यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री यहाँ पे फोर यहाँ पे फाइव यहाँ पे सिक्स यहाँ पे सेवन एंड यहाँ पे क्या 8 आ जाएगा एट आ जाएगा अब हमें नहीं पता कि कौन बंदा ऊपर देख रहा है कौन नीचे देख रहा है नॉर्थ ऊपर है या फिर साउथ नीचे या फिर साउथ ऊपर है या फिर नॉर्थ नीचे ये या हम यहाँ पे कंडीशन डिसाइड करके यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे ठीक है तो सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है गैस? यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी वी है एंड यहाँ पे भी वी है तो हम सबसे पहले यहाँ, भी यहाँ पे वी से ट्राई करेंगे क्योंकि पे से आपको थोड़ा कंडीशंस का यहाँ पे लिंकेज दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे वी से ट्राई करूंगा तो यहाँ पे मैं वी कहीं पे भी लेके ट्राई कर सकता हूँ एंड वी का डायरेक्शन आप नीचे की तरफ भी दे सकते हैं ऊपर की तरफ भी दे सकते हैं अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे वी के राइट में एक पर्सन छोड़ के जे तो वी तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहा है तो वी का राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा एक पर्सन छोड़ के जे ये कंडीशन हो गई अब यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे वी एंड वी का डायरेक्शन सेम है इसका ही मतलब क्या हो जाएगा

डायरेक्शन ऊपर की तरफ क्योंकि वी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है एंड यहाँ पे बोला है कि बी के लेफ्ट में भी चाहिए बट यहाँ पे बी के तो राइट में भी आ गया क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे ऊपर देख रहा है जो भी बंदा यहाँ पे ऊपर देख रहा है उसका राइट तो इस डायरेक्शन में होगा एंड बी के इमीडिएट राइट में भी आ जाएगा बट हमें तो बी के लेफ्ट में भी चाहिए इसका ही मतलब हंड्रेड बी कहाँ पे आ जाएगा गाइस हंड्रेड एंड वन परसेंट बी आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा बी बी का डायरेक्शन पे की तरफ एंड के लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा वी ठीक है इतना सभी को समझ में आ रहा है तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे एक्स एंड वी के बीच में यहाँ पे टू परसेंट है तो यहाँ पे वी से टू परसेंट छोड़ के एक्स यहाँ पे भी आ सकता है एंड वी से टू परसेंट छोड़ के एक्स यहाँ पे भी आ सकता है दोनों केसेस बनते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे एक्स के राइट में भी चाहिए ठीक है यहाँ पे क्या है एक्स के राइट में भी चाहिए अगर मैं यहाँ पे x को लेता हूँ ठीक है बट यहाँ पे क्या हो जाएगा वी के, है, है मतलब के? तो तो के इस डायरेक्शन में टू परसेंट छोड़ के एक्स आ जाएगा बट यहाँ पे हमें क्या चाहिएगा यहाँ पे एक्स के राइट right में आपको क्या चाहिए एक्स के राइट right में वी चाहिए एक्स के राइट right में वी कब होगा जब एक्स का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा तभी तो यहाँ पे एक्स के

आउटसाइड आ जाएगा ऊपर आउटसाइड है तो नीचे इनसाइड आ जाएगा तो ये वाली भी कंडीशन हो गई ठीक है हमने यहाँ पे एक्स को भी सेट कर दिया अब यहाँ पे एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में जे तो यहाँ पे एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है यहाँ पे यन आ जाएगा तो ये वाली भी कंडीशन हो गई अब यहाँ पे यन से टू छोड़ने के बाद जी तो यहाँ पे यन के इस डायरेक्शन में यहाँ पे वन एंड टू छोड़ने के बाद कौन है यहाँ पे बी है इसका ही मतलब यहाँ पे यन के इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा यन के इस डायरेक्शन में यहाँ पे वन एंड टू परसेंट छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जी तो ये वाली भी कंडीशन हो गई यहाँ पे ए के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है यहाँ पे वाई है तो ए कहाँ आ का सकता है, v J का क्या है? है. तो जे तो मतलब तो नीचे आ जाएगा ये वाली भी कंडीशन हो गई अब यहाँ पे क्या बोला है कि जे के इमीडिएट नेबर में वाई नहीं आ सकता यहाँ पे वाई नहीं आ सकता तो वाई रखने के लिए एक ही जगह बाकी है यहाँ पे आ जाएगा वाई एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा बट यहाँ पे ए के

तो यहाँ पे एंड का भी मैंने डायरेक्शन सेट कर दिया यहाँ पे वी एंड बी का भी डायरेक्शन सेट कर दिया वी का डायरेक्शन क्या हो सकता है यहाँ पे 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 का direction B का 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 एंड एंड कर 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 दिया दिया ठीक है अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन रखना बाकी गैस क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे जी एंड एन का डायरेक्शन तो सेट हाँ यहाँ पे बोला था ना कि नॉट मोर देन टू फेसेस सेम डायरेक्शन ठीक है तो यहाँ पे उसी कंडीशन से आपको यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा अब गाइज यहाँ पे ये दोनों बंदे यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं इसका है मतलब जी का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा ठीक है क्योंकि जी अगर ऊपर की तरफ देखेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे तीन बंदे ऊपर की तरफ हो जाएंगे एंड हमें क्या बोला था कि दो से ज्यादा बंदे यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं देख सकते इसके सेम डायरेक्शन में नहीं देख सकते इसका मतलब यहाँ पे जी का डायरेक्शन क्या आ जाएगा गाइज डी जी यहाँ पे नीचे देखेगा एंड यहाँ पे यन अगर नीचे देखेगा तो ये तीन बंदे यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे एंड हमें तो दो ही बंदे सेम डायरेक्शन

मिनट का समय दिया जाता है टू मिनट बाद हम यहां पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे तो सेट नंबर हमारा वन फोर्टी फाइव है आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा तो चलिए अभी यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है सेवन पर्सन है ग्रेजुएटेड इन सेवन डिफरेंट ईयर इन इंग्लिश अल्फाबेट ठीक है अब यहाँ पे ए इज फर्स्ट लेटर बी इज सेकेंड लेटर सी इज थर्ड लेटर सो ऑन इसका मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ए बी सी डी लिख लेनी पड़ेगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यल ठीक है यल यम यन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ठीक है एक ही नंबरिंग आती है वन टू थ्री यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ठीक है इतना सभी को समझ में आ रहा है अब आगे क्या बोला है गाइज यहाँ पे वही बोला है कि इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए इज द फर्स्ट लेटर बी इज द सेकंड लेटर सी इज द थर्ड लेटर एंड सो ऑन इसलिए हमने यहाँ पे एक ही नंबरिंग लिख ली यहाँ पे झेड तक अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे द नेम ऑफ द ग्रेजुएट इज दैट लेटर ऑफ द अल्फाबेट हैज़ द रैंक इक्वल टू द लास्ट टू डिजिट ऑफ दिच ही नेम आएगा अब यहाँ पे ग्रेजुएट का नेम ए से लेके आ सकता है ठीक है ग्रेजुएट का नेम यहाँ पे ए से लेके झेड तक ही आ सकता है तो ग्रेजुएट का नेम यहाँ पे ए से लेके झेड तक ही आएगा वो वो भी यही बोल रहे की ए से लेके झेड तक ही आएगा बट यहाँ पे आगे क्या बोला है Which has rank equal to the sum of, इसका मतलब क्या होगा? अब गाइस अगर मैं यहाँ कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर क्या है नाइन नाइन है एंड नाइन प्लस नाइन क्या आता है एटीन आता है इसका है मतलब क्या होगा यहाँ पे एटीन रैंक किसकी है यहाँ पे आर की है इसका है मतलब यहाँ पे 1999 में कौन ग्रेजुएट होता है यहाँ पे आर ग्रेजुएट होता है ठीक है क्योंकि यहाँ पे लास्ट टू डिजिट की सम क्या थी 18 थी एंड 18 प्लेस वैल्यू किसकी है 18 प्लेस वैल्यू यहाँ पे आर की है ये यहाँ पे यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है इतना सभी को समझ में आ रहा है किसी किसको कोई डाउट है अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या दिया है एक सेकंड

यहाँ पे हम ग्रेजुएट होता होगा ऐसे ही यहाँ पे ऑल ऑफ देम आर ग्रेजुएटेड आफ्टर 1981 एंड यहाँ पे बिफोर यहाँ पे 19 सॉरी uh, यहाँ पे 2009 ठीक है तो यहाँ पे सभी के सभी बंदे एक तो यहाँ पे 1981 से लेके एंड यहाँ पे नाइनटीन सॉरी दो हजार नौ के बीच में ही यहाँ पे बॉन सॉरी ग्रेजुएट होते हो गए ठीक है तो यहाँ पे सेवन पर्सन है एंड यहाँ पे इतने सारे ईयर दे दिए अपने को तो सबसे पहले तो ईयर निकालने पड़ेगा ठीक है ईयर निकालने पड़ेगे एंड यहाँ पे पर्सन के नाम निकालने पड़ेगा ठीक है कौन से पर्सनस है क्योंकि यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स तो पर्सन नहीं है ए से लेके जेड तक यहाँ पे सेवन ही पर्सनस है तो यहाँ पे इनमें से कोई ना कोई सेवन बंदे आने वाले हैं काफी अच्छी लेवल की पजल है गाइज एकदम यहाँ पे पीओ लेवल की पजल है तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब

अब यहाँ पे पी एंड जे के बीच में कोई भी ग्रेजुएट नहीं होता मतलब है आसपास आएगी इमिडिएट नहीं भरायगे अब आगे क्या बोला है? यहाँ पे क्यू ग्रेजुएटेड आफ्टर द ईयर नाइनटीन एटी फाइव तो यहाँ पे नाइनटीन एटी फाइव के बाद में कौन ग्रेजुएट होता है यहाँ पे क्यों ग्रेजुएट होता है अब आगे क्या बोला है? यहाँ पे जी के बीच में कितने बंदे होते पे graduate होते पे बंदे होते 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 पे 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 दो ठीक ठीक है? अब पे G Q. ठीक है? अब अब एंड ये हो गया। अब आगे क्या बोला? R, uh, graduated before G. अब पे G के बिफोर कौन ग्रेजुएट होता है यहाँ पे आर तो ग्रेजुएट होता है बट नॉट इमीडिएटली एंड नॉट इन दर नाइनटीन एटी नाइन अब यहाँ पे आर जो होगा वो यहाँ पे नॉट 1989 1989 में में आ जाएगा, ठीक है? तो नहीं आएगा एंड यहाँ पे जी के इमीडिएटली यहाँ पे ऊपर नहीं आएगा ठीक है ये यह यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं अब आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देयर वर सिक्स ईयर इन बिटवीन ग्रेजुएशन ऑफ आर एंड यल अब यहाँ पे आर एंड यहाँ पे यल के ग्रेजुएशन के बीच में कितने का गैप है यहाँ पे सिक्स ईयर का गैप है ठीक है इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस किसको कोई डाउट है तो हमने यहाँ पे सभी कंडीशंस तो नोट डाउन कर लिए अब यहाँ पे कौन से कौन से यहाँ पे लेटर है वो देख लेते एक बार ठीक है यहाँ पे आर दिख रहा है एक तो तो सबसे पहले यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले आर दिख रहा है ठीक है यहाँ पे आर आर के बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे जी दिख रहा है क्यू दिख रहा है आर के बाद यहाँ पे जी दिख रहा है यहाँ पे क्यू दिख रहा है यहाँ पे सी भी दिख रहा है एंड जे भी दिख रहा है यहाँ पे सी भी दिख रहा है एंड यहाँ पे जे भी दिख रहा है यहाँ पे पी भी दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे पी भी आ जाएगा एंड यहाँ पे क्यू हो गया यहाँ पे आर हो गया यल बाकी गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे ईयर आ जाएगा तो कितने बंदे हो गए यहाँ पे सात बंदे तो हमने सेट कर दिए मतलब सेट नहीं कर दिए पे सात बंदों के नाम हमने यहाँ पे कंफर्म निकल लिए पे पे कितने बंदे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से ये सात बंदे हमें पे सेट करने है तो यहाँ पे आर की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे आर की प्लेस वैल्यू एटीन है इसका मतलब यहाँ पे आर के नीचे मैं यहाँ पे एटीन बना देता हूँ सबसे पहले अब यहाँ पे एटीन सम किस किस से आ सकती है गैस यहाँ पे आर के ऊपर बना देते हैं एंड आर के नीचे उसके ईयर लिखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे एटीन आ जाएगा जी की, की प्लेस वैल्यू क्या है जी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे सेवन है तो यहाँ पे जी के ऊपर सेवन बना देता हूँ क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे क्यू की प्लेस वैल्यू यहाँ पे सत्रह है तो यहाँ पे क्यू के ऊपर यहाँ पे सत्रह बना देता हूँ सी की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे तीन है तो सी के ऊपर यहाँ पे तीन बना देता हूँ यहाँ पे जे की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे दस है तो यहाँ पे जे के ऊपर दस पी की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे पी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे सिक्सटी है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा सिक्सटीन आ जाएगा यल की प्लेस वैल्यू क्या है ट्वेल्व है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है अब आपको क्या बोला है यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू इनके जो भी यहाँ पे प्लेस वैल्यू होगी वो यहाँ पे कोई भी ईयर के लास्ट के टू डिजिट के सम के बराबर होगी इसका ही मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है एटीन प्लेस वैल्यू में कैसे ला सकता हूँ यहाँ पे नाइनटीन एटी वन से लेके यहाँ पे दो हजार नौ तक ही आपको यहाँ पे ईयर काउंट करना है ठीक है तो यहाँ पे 81 काउंट करूँगा मैं तो यहाँ पे 80 19 81 वन काउंट करूँगा तो लास्ट के टू डिजिट के सम क्या है एट प्लस वन क्या 9 आता है नाइन आता है बट यहाँ पे आपको नाइन प्लस वैल्यू किसकी दिख रही है क्या नहीं दिख रही है इसका है मतलब नाइनटीन एटी तो हंड्रेड एंड वन परसेंट नहीं हो सकता यहाँ पे एटी टू यहाँ पे एटी थ्री एटी फोर एटी फाइव एटी सिक्स एटी सेवन एटी एट

1994, 1995, 1996 आ जाएगा 1997, 1998, 1999 आ जाएगा ठीक है इतना सभी को समझ में आ रहा है तो कौन से दो यहाँ पे लास्ट डिजिट के सम यहाँ पे 18 आती है यहाँ पे यहाँ पे सेवन प्लस नाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सिक्सटीन मिलेगा यहाँ पे एट प्लस नाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे सेवनटीन मिलेगा एंड यहाँ पे नाइन प्लस नाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा नाइन प्लस नाइन करूंगा तो हंड्रेड एंड वन परसेंट मुझे यहाँ पे एटीन मिलेगा यहाँ पे नाइनटीन नाइनटी नाइन के समेती है नाइन प्लस एटीन आता है इसका है मतलब आर यहां पे नाइनटीन 99 में यहाँ पे ग्रेजुएट होता होगा ठीक है क्योंकि से लेके 89 तक, एक भी पे year नहीं दिख रहा है, तक आपको कोई भी नंबर की सम यहाँ पे एटीन नहीं आएगी क्योंकि दोनों जगह पे पे था नाइन था इसीलिए इतना सभी को समझ में आ रहा है कि किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे आर की एज तो हमने निकाली सॉरी आर का ग्रेजुएशन ईयर तो हमने यहाँ पे निकाल

यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी का ग्रेजुएशन ईयर यहाँ पे 2007 आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे सेवन और सम किसी से नहीं आते हैं तो जी का डायरेक्शन सॉरी जी का यहाँ पे ग्रेजुएशन ईयर 2007 आ जाएगा अब यहाँ पे सत्रह कैसे आ सकता है? इस की वैल्यू निकलेगी तो सत्रह कैसे आ सकता है यहाँ पे यहाँ पे सत्रह नाइनटीन एट से आता है ठीक है से सत्रह आता है एंड यहाँ पे यहाँ पे एट प्लस एट सिक्सटीन आता है एंड यहाँ पे एटी नाइन क्या आता है नाइन प्लस एट क्या आता है यहाँ पे सत्रह आता है तो एक तो नाइनटीन एटी नाइन हो सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है एक तो यहाँ पे नाइनटीन एटी नाइन हो सकता है यहाँ पे नाइनटीन एटी नाइन हो सकता है या फिर यहाँ पे नाइनटीन यहाँ पे नाइनटी एट हो सकता है ठीक है यहाँ पे नाइनटीन नाइनटी एट हो सकता है ना क्योंकि यहाँ पे नाइन प्लस एट क्या आता है यहाँ पे सत्रह आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइनटीन नाइनटी एट आ जाएगा ठीक है इतना सभी को समझ में आ रहा है अब यहाँ पे सी के एज निकाल सी एज तीन है तीन के लिए आपको यहाँ पे जीरो प्लस तीन ही करना पड़ेगा तो ये इसकी एज क्या आ जाएगी इसकी एज यहाँ पेरो की जे की एज क्या है दस है दस के लिए एक तो यहाँ पे नाइन प्लस वन करना पड़ेगा इसका मतलब यहाँ पे जे आ सकता है या फिर यहाँ पे एट प्लस टू करना पड़ेगा यहाँ पे जे आ सकता है ठीक है क्योंकि यहाँ पे एटी टू क्या आता है एंड में जे आता है तो एक तो नाइनटीन एटी टू आ जाएगा यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा एक तो यहाँ पे नाइनटीन एटी टू आ जाएगा या फिर नाइनटीन यहाँ पे नाइनटी वन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नाइनटीन नाइनटी वन में भी एंड के टू डिजिट मतलब ये नाइन एंड वन की सम क्या आती है यहाँ पे टेन आती है इतना सभी को समझ में आ रहा है अब यहाँ पे पी की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे सिक्सटीन है तो पी के लिए वैल्यू निकल के देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब यहाँ पे नाइन प्लस सेवन क्या आता है नाइनटी सेवन का नाइन प्लस सेवन क्या आता है सिक्सटीन आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे नाइनटीन एक सेकंड यहाँ पे कलर भी चेंज करना है ना यहाँ पे नाइनटीन नाइनटी सेवन आ जाएगा पी के लिए नाइनटीन नाइनटी सेवन और क्या आ जाएगा गाइस यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे सिक्सटीन सम किससे आती है यहाँ पे एट एट से भी आती है ठीक है यहाँ पे नाइनटीन एटी एट से भी यहाँ पे एट प्लस एट क्या आता है सिक्सटीन आता है एंड यहाँ पे नाइन प्लस सेवन क्या आता है सिक्सटीन आता है इसका ही मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे एक तो नाइनटीन एटी एट आ जाएगा या फिर यहाँ पे नाइनटीन 19... यहाँ पे नाइनटी सेवन आ जाएगा अब यहाँ पे दोनों नहीं आएंगे दोनों में से कोई ना कोई एक ही आएगा उसे हमें यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से कंफर्म करना है तो यहाँ पे सी से चार परसेंट छोड़ने के बाद ये कंडीशन में थोड़ी यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा सी से वन टू थ्री फोर परसेंट छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा यहाँ पे जे आ जाएगा अब यहाँ पे यल के एज निकाल लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या है दोस्तों यहाँ पे यल का यहाँ पे प्लेस वैल्यू बारह है तो बारह कैसे आ सकता है गैज यहाँ पे आठ और चार करूंगा तो बारह आएगा ठीक है आठ और चार करूंगा तो बारह आएगा इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइनटीन एटी फोर आ जाएगा ठीक है और बारह कैसे आ सकता है यहाँ पे बारह के लिए यहाँ पे नाइनटीन नाइनटी थ्री नाइन और तीन क्या आता है नौ और तीन बारह आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1993 आ जाएगा ठीक है इतना सभी को समझ में आ रहा है तो हमने यहाँ पे सभी लोगों की यहाँ पे एज निकाल ली अब यहाँ पे एज तो हमने यहाँ पे निकाल लिए गैज अब यहाँ पे सेट भी कर देते हैं कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से नंबर पे आएगा एंड यहाँ पे कौन से ईयर में आएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया गाइस अब यहाँ पे आर एज क्या निकल लिया हमने आर एज यहाँ पे नाइनटीन नाइनटी नाइन निकल ली नाइनटीन नाइनटी नाइन निकल ली तो यहाँ पे ईयर का गैप है इसका ये मतलब यल के एज क्या हो सकती है एक तो यहाँ पे 1996 से 1999 से छ ईयर बिफोर इसका मतलब यहाँ पे येल के एज क्या हो सकती है यहाँ पे 1993 हो सकती है या फिर नाइनटीन नाइनटी से यहाँ पे छह साल बाद इसका मतलब 1995 हो सकती है बट यहाँ पे येल की एज यहाँ पे 1984 है या फिर 93 है तो यहाँ पे 2005 हो सकता है कि नहीं हो सकता तो यहाँ पे 84 दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे छह साल का गैप लेने के बाद नहीं दिख रहा है तो 101 परसेंट नाइनटीन हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे इसकी एज क्या हो जाएगी यहाँ पे मैं कट भी कर देता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगी 1993 हो जाएगी एल के एच ठीक है तो यहाँ सेट कर दी एंड यहाँ पे भी हमने पे सेट कर दी ठीक है दोनों एज हमने यहाँ सेट कर दिए अब आगे आगे देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्यू की एज क्या है यहाँ पे क्यू की एज नाइनटीन से कम है क्यू की एज क्या है यहाँ पे नाइनटीन से कम है इसका मतलब नाइनटीन भी हो सकता है एंड यहाँ पे नाइनटी भी हो सकता है ये वाली कंडीशन का तो अभी कुछ काम नहीं है तो आगे देखते हैं और कौन सी कंडीशन बाकी है गाइज यहाँ पे यहाँ पे आर के एच सेट कर दी यहाँ पे जीके एच क्या है जी के एच दो हजार सात है तो गाय पे सबसे पहले यहाँ पे दो हजार सात में यहाँ पे मैं जी को सेट कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जी को सेट कर दिया एक सेकंड भाई यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आ रही है ठीक है अब यहाँ पे जी से टू परसेंट छोड़ने के बाद कोने गईज यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे जी के नीचे तो क्यों नहीं आ सकता सबसे पहले यहाँ पे मैं सेपरेट कर देता होगा यहाँ पे सेवन पर्सन के लिए ताकि आपको भी यहाँ पे आसानी हो जाए ठीक है यहाँ पे एक सेकंड तो यहाँ पे जी के नीचे टू परसेंट छोड़ने के बाद क्यूँ निकल सकता हो क्या मैं नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पे जी के नीचे क्यूँ निकलूंगा इसका है मतलब ये क्या आ जाएगा दो आ जाएगा दो आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे दो से ज्यादा ही नंबर आ जाएगा मतलब यहाँ पे दो के बाद जी बॉर्न होता है बट यहाँ पे सॉरी क्यू बॉर्न होता है बट यहाँ पे क्यू की एज क्या है एक तो नाइनटीन है या फिर नाइनटीन है इसका मतलब हंड्रेड एंड वन परसेंट ये दो हजार सात के बाद तो क्यू बॉर्न नहीं होता होगा हंड्रेड एंड वन परसेंट यहाँ पे क्यू जो होगा यहाँ पे जी के टू यहाँ पे बिफोर बॉर्न होता होगा ठीक है तो एक तो यहाँ पे नाइन आ सकता है नहीं इसका है मतलब क्या होगा एंड आर यहाँ पे 1999 में... 1999 में इसका मतलब क्या आ जाएगा अगर यहाँ पे मैं क्यू की एज अगर यहाँ पे मैं क्यू की एज यहाँ पेट भी कंसिडर करूंगा या फिर नाइनटीन एटी नाइन भी कंसीडर करूंगा ये दोनों एज यहाँ पे कंसीडर करूंगा तो आर तो यहाँ पे क्यू के बाद भी ही आने वाला है क्योंकि आर क्या है यहाँ पे नाइनटीन है इसका मतलब यहाँ पे क्यू के नीचे ही आर आएगा ये तो कंफर्म हो गया ना के नीचे आर आने वाला है एंड यहाँ पे जी के ऊपर आर चाहिए बट यहाँ पे जी के जस्ट इमीडिएट ऊपर आर के लिए क्या है यहाँ पे क्रॉस का साइन है तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता तो हंड्रेड एंड पे आ जाएगा क्योंकि हमें जी के ऊपर भी चाहिए एंड क्यू के नीचे भी चाहिए ठीक है इतना सभी को समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैंने आर को सेट कर दिया यहाँ पे आ जाएगा आर एंड आर की एज क्या है यहाँ पे ठीक है, है तो आर को सेट कर दिया तो आर को यहाँ से मिटा देता हूं अब यहाँ पे जी को सेट कर दिया तो जी को यहां से मिटा देता हूं। अब यहाँ पे Q -H एक नाइनटी तो एट हो सकती है ठीक है, है अब यहाँ पे आर से सिक्स ईयर छोड़ने के बाद आर से सिक्स ईयर छोड़ने के बाद कौन है यहाँ पे नाइनटीन नाइनटी थ्री में तो यहाँ पे नाइनटीन नाइन थ्री के बीच में और कोई नंबर दिख रहा है क्या यहाँ पेट दिख रहा है ठीक है नाइनटीन नाइनटी एट दिख रहा है तो ये वाली कंडीशन तो अभी हम यहाँ पे सेट सेट नहीं कर कर सकते सकते और कौन सी कंडीशन आर एटी नाइन में नहीं हो सकता तो ये कंडीशन हो गई यल की एज सेट कर दी यहाँ पे यल की एज क्या आ जाएगी नाइनटीन एटी थ्री आ जाएगी तो यल की सेट कर दी अब यहाँ पे जी से टू परसेंट छोड़ने के बाद क्यू है तो क्यू भी हमने सेट कर दिया जी भी सेट कर दिया आर भी सेट कर दिया ठीक है अब यहाँ पे और कौन सा नंबर रखना बाकी है अब यहाँ पे फाइव के नीचे ही एंड नाइनटी एट है दोनों भी हो सकते हैं एंड यहाँ पे यल की एज क्या है यहाँ पे यल की एज यहाँ पे 1993 है, तो अगर गाइज में एक काम करते नाइन कंसिडर करता हूं ठीक है अगर मैं यहाँ पे क्यूकी एच नाइनटीन एटी नाइन कंसिडर करता हूं तो नाइनटीन एटी नाइन के बाद डायरेक्ट यहाँ पे नाइनटीन नाइनटी नाइन आ गया बट आपको यहाँ पे ये तो पता है नाइनटीन नाइनटी थ्री है तो नाइन पे 1989 एंड 1999 के बीच में यहाँ पे 1993 आएगा क्योंकि 101 एंड परसेंट यहाँ पे यल की एज क्या है यहाँ पे 1983 में ग्रेजुएट होता है तो यहाँ पे अगर मैं 89 रखूंगा तो यहाँ पे 1993 रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है आप यहाँ पे तो नहीं रख सकते 1993 क्योंकि 1999 के बाद में तो 1993 नहीं आएगा ना एक तो 1999 के पहले आएगा एंड 1983 के बाद में आएगा बट इनके बीच में कोई भी जगह नहीं है यल रखने के लिए इसका मतलब हंड्रेड एंड वन परसेंट क्यू की एज क्या आ जाएगी गाइज

2003 है ठीक है अब यहाँ पे 2003 है तो आपको यहाँ पे 1999 एंड 2007 के बीच में क्या आपको यहाँ पे दो हजार क्या आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे नाइनटीन से यहाँ पे 19 दो सॉरी दो तक यहाँ पे इनके बीच में एक ही ईयर दिख रहा है यहाँ पे भी एक ईयर दिख रहा है दो इसलिए यहाँ पे दो हजार तीन आ गई पे सी के एज आ गई इसके मतलब हमने यहाँ पे सी को भी सेट कर दिया ठीक है तो यहां पे सी सेट हो गया तो इसे मैं मिटा देता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा यहां पे सी को हमने सेट कर दिया तो यहाँ पे सी को भी मैं मिटा देता हूँ अब यहाँ पे जे को सेट करना बाकी पे, पहले ही मतलब 82 यहाँ पे के एच इसके आएगी मतलब इसका मतलब ये चार बंदे तो कॉन्जिकेटिव आएंगे अब यहाँ पे पीके एज देखते हैं तो नाइनटीन एटी एट हो सकते हैं या फिर नाइनटीन नाइनटी सेवन हो सकते है अब आप ही मुझे बोलिए गैस की नाइनटीन नाइनटी सेवन में निकल सकता हूँ क्या क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1997 निकालूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा अब यहाँ पे ये वाला चीज दी है ना कि यहाँ पे सी से यहाँ पे चार परसेंट छोड़ने के बाद कौन है जे है तो यहाँ पे सी के नीचे चार परसेंट छोड़ने के बाद तो जे निकलूंगा तो के एच तो यहाँ पे 2003 से यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी बट यहाँ पे जे जे के एच क्या है के एच तो 2003 से कम है इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे सी से यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में वन टू थ्री फोर परसेंट छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा वन टू थ्री फोर परसेंट छोड़ने के बाद यहाँ पे जे आ जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे जे को बना देते हैं ठीक है ना यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जे को बना देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे एक सेकंड सेपरेट करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे चार पर्सेंट छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जे अब यहाँ पे जे की एज क्या हो सकती है एक तो नाइनटीन एटी टू हो सकते हैं या फिर नाइनटीन नाइनटी वन हो सकते हैं ठीक है यहाँ पे एक तो नाइनटीन एटी टू हो सकते हैं या फिर यहाँ पे नाइनटीन नाइनटी वन हो सकते हैं दोनों केसेस पॉसिबल है, है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जे जे एंड पी क्या है यहाँ पे इमिडिएट तो यहाँ पे पी एक तो जे के पहले आ सकता है या फिर पी एक तो जे के बाद में आ सकता है बट पी की एज क्या है एटी एट आई एंड नाइन्टी सेवन आई ठीक है एटी एट आई एंड नाइन्टी सेवन है अगर मैं जेके एच यहाँ करूंगा ठीक है जेके एच एटी टू करूंगा तो यहाँ पे जे के बाद में ठीक है जे के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे पी आ जाएगा तो पीके एच क्या हो जाएगी गाइज पीके एच एक तो नाइनटी भी हो सकते, हैं एंड 88 भी हो सकते हैं ठीक है, है ना इतना सभी को समझना ही है ऐसे तो दोनों भी हो सकते हैं Guys, अगर जे के एज नाइनटीन नाइनटी वन कंसिडर करता हूँ जेके एज अगर मैं नाइनटीन कंसीडर करता हूँ क्योंकि क्या नहीं हो सकता क्योंकि नाइनटी वन के बाद नाइनटीन नाइनटी एट आ सकता है क्या नहीं आ सकता तो यहाँ पे जे के एज क्या आ जाएगी अगर मैं यहाँ पे जेके एज नाइनटीन नाइनटी वन कंसिडर करता हूँ तो पी के एज हंड्रेड एंड वन परसेंट यहाँ पे नाइनटीन सेवन आ जाएगी अगर मैं जे पे 82 कंसिडर करता हूँ तो पी एक तो 97 भी आ सकता है एंड पी एक यहाँ पे क्या आ सकता है P1 तो पे 88 भी आ सकता है ये दोनों केसेस बनते हैं एंड गाइस और एक चीज यहाँ पे सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे JKH 1991 कंसीडर करता हूँ तो PKH 101% 1997 हो जाएगी तो 101% J के नीचे या को P रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे J एंड P क्या थे यहाँ पे J एंड P क्या थे यहाँ पे इमीडिएट नेबर थे बट यहाँ पे L रखने के लिए कहाँ पे जगह है गाइस यहाँ पे LKH क्या है 1993 है तो पे 1991 के डायरेक्ट इंटी वायरेक्ट कॉन्जिक्यवन आ गया तो यहाँ पे यल कहाँ पे घुसा मैं इनके बीच में यहाँ पे यल रखने के लिए तो जगह ही नहीं है 1993 तो इनके बीच में ही आएगा ना 1991 एंड 1997 के बीच में ही नाइनटीन आएगा ना बट तो यहाँ पे 1991 के एग्जैक्ट बाद में अगर 97 आता है तो इनके बीच में जितने भी ईयर है वो तो ईयर यहाँ पे इसने खा लिए तो यहाँ पे 1993 एल रखने के लिए जगह ही नहीं है इसका मतलब 101 परसेंट यहाँ पे जे नहीं आ सकता यहाँ पे 1991 में तो जे हमें यहाँ पे कंफर्म हो गई जे 101 परसेंट नाइनटीन में नहीं आएगा तो यहाँ पे जे एज क्या हो जाएगी यहाँ पे 1982 हो जाएगी ठीक है इतना सभी को समझ में आ रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जे एज निकाल लेते हैं तो यहाँ पे जे एज क्या आ जाएगी तो यहाँ पे नाइनटीन आ जाएगी तो यहाँ पे पी के एज क्या आ सकते हैं पी के एज एक तो एटी एट आ सकते हैं या फिर नाइनटी सेवन आ सकते हैं ठीक है दोनों पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे कितने बंदे सेट करते वन टू थ्री फोर

एटी एट आती है तो यहाँ पेवन नहीं आ सकती ठीक है तो यहाँ पे पे को से मैं मिटा देता एंड के आ गए, 82 आ गए, तो 91 नहीं आ सकती ठीक है इतना सभी को समझ में आ रहा है तो पूरी कंडीशन पूरी पॉसिबिलिटी पूरा क्वेश्चन आपका हंड्रेड एंड वन परसेंट यहाँ पे सॉल्व हो गया है आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए ये यहाँ पे पीओ लेवल का क्वेश्चन था काफी ज्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन था गाइज तो यहाँ पे पीओ मेन्स लेवल का क्वेश्चन था या फिर यहाँ पे क्लरिकल यहाँ पे मेंस लेवल का क्वेश्चन था ठीक है तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को तो बना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए तो मिलते हैं अगले सेशन में जयसे आराम स्टेट स्टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज